ग्रेटेस्ट इंडीजा फंक्शन इसका ग्राफ हो गया फिर उसके बाद फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इसका भी ग्राफ हो गया नाउ विल कम टू सम इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेटेस्ट इंडीजा फंक्शन एंड फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन तो वो भी हम यहीं कंप्लीट कर लेते हैं विल प्रॉपर्टीज फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ जो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है वो तो जैसे नाम से पता है ये हमेशा एक इंटीजर होता है और जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स होता है उसका वैल्यू हमेशा जीरो और वन के बीच में आता है पहला प्रॉपर्टी तो ये हो गया या फर्स्ट पॉइंट टू रिमेंबर इज दिस सेकंड अगर कोई भी इंटीजर है मान लिया आई उसका हमने इंटीग्रल पार्ट लिया तो वो नंबर खुद ही उसका इंटीगल पार्ट है वो नंबर अपना खुद इंटीगल पार्ट है इसका मतलब क्या है कि आई एज इट इज बाहर आ जाएगा इस बॉक्स के मतलब फाइव का इंटीगल पार्ट लिया तो फाइव ही होगा <coughs> इसलिए हम इसको क्रूडली ऐसे ही बोल सकते हैं कि इंटीगल पार्ट के ऊपर से हम ये बॉक्स हटा सकते हैं एक ही बात है अच्छा अगर उसका हमने फ्रैक्शनल पार्ट लिया तो वो हमेशा जीरो आएगा आई स्टैंड फॉर एन इंटीजियर वो पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है तो उसके ऊपर अगर हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगाया तो उसका वैल्यू वही आ जाएगा जो पहले था फ्रैक्शन पार्ट लगाया तो उसका वैल्यू जीरो तीसरा ग्रेटेस्ट इंटीजियर ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर वो केवल यही होता है ये तो पॉइंट टू से ही आ जाएगा क्योंकि x का अगर हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर लिया है तो ये अंदर वाले बॉक्स की वजह से इतना पोर्शन इंटीजर हो गया तो बाहर वाले बॉक्स को लगाने की ज़रूरत ही नहीं है जैसे पॉइंट टू में बोला गया है कि अगर इंटीजर के ऊपर एक बॉक्स लगा रखा है ऐसे तो उसको हटा दिया तो वही हमने यहाँ पे कर दिया दूसरे वाले बॉक्स को नहीं हटा सकते कुछ बच्चों को पता नहीं कहाँ से सूझता है वो दोनों बॉक्स हटा देते हैं ऐसा थोड़ा है कि नेगेटिव नेगेटिव थोड़ा है कि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया या दोनों बॉक्स ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया ऐसा नहीं वो तो बाहर वाले बॉक्स की जरूरत नहीं है क्योंकि अंदर वाले बॉक्स की वजह से जो वैल्यू आया वो हमेशा इंटीजर ही आएगा सॉरी पार्डन इसलिए तो अगर हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स के ऊपर ये जो पूरा एक नंबर लिखा हुआ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ जो भी वैल्यू आएगा वो तो एक इंटीजर आएगा अगर उसके ऊपर मैं फ्रैक्शनल पार्ट लगा दूं तो ये पॉइंट तो इसी की तरह हो गया क्योंकि जो अंदर लिखा हुआ है ये डॉटेड लाइंस के बीच में जो लिखा हुआ वो एक इंटीजर है तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना हो जाएगा जीरो अगर अंदर फ्रैक्शनल पार्ट लिखा है ऐसे उसके ऊपर मैं ऐसे एक और फ्रैक्शन पार्ट लगा दूं तो वापस बाहर वाले को लगाने की जरूरत नहीं है वो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ ही आएगा क्यों क्योंकि अगर मैं पूछूं तुमसे जीरो पॉइंट टू का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा तो जीरो पॉइंट टू ही होगा सॉरी <coughs> अगर मैं पूछूं जीरो का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा तो वो जीरो पॉइंट थ्री होगा जीरो पॉइंट नाइन नाइन ही होगा तो अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि ये जो नंबर है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स ये जीरो और एक के बीच में आएगा जीरो और एक के बीच में कोई भी नंबर लो उसका फ्रैक्शनल पार्ट वही नंबर खुद होगा उसका इंटीग्रल पार्ट जीरो होगा तो ये जो अंदर वाला ब्रैकेट के अंदर जो लिखा हुआ है वो एक नंबर हो गया जीरो और एक के बीच में तो बाहर वाला फ्रैक्शनल पार्ट क्या बोलेगा कि वो जो नंबर अंदर लिखा है वो आंसर हो जाएगा तो ये हो जाएगा यहाँ पे भी हम ऐसे नहीं करेंगे कि फ्रैक्शनल पार्ट फ्रैक्शनल पार्ट दो दो, दो ब्रैकेट हटा दिए और केवल एक्स लिख दिया वो तो गड़बड़ हो जाएगा एक्स का भी तो पचास भी हो सकता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 50 फिफ्टी थोड़ा हो जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू तो कभी भी जीरो नंबर होगा ये पूरा एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है जो जीरो के बीच में है इस नंबर के ऊपर हमने अगर इंटीगल पार्ट लगा दिया मतलब इस नंबर का इंटीगल पार्ट क्या होगा जीरो और एक के बीच में अगर कोई भी नंबर है मान लिया जीरो और एक के बीच में यहां पे कोई भी नंबर है तो ये तो एक नंबर ही है जीरो और एक के बीच में तो उसका इंटीगल पार्ट क्या होगा ये जीरो ये जीरो तो क्रूडली मतलब क्विकली सॉरी अगेन अगर मैं लिखना चाहूँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्सेस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ इज़ ओनली फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स मतलब अगर दो ब्रैकेट एक जैसे हैं तो दो ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है चाहे वो करली ब्रैकेट हो चाहे वो ऐसे बड़े वाले ब्रैकेट हो और अगर उल्टे ब्रैकेट लगा रखा है मतलब एक ऐसा ब्रैकेट और एक करली ब्रैकेट चाहे उल्टा हो बाहर करली ब्रैकेट अंदर ऐसा बिग ब्रैकेट तो उनका वैल्यू हमेशा जीरो आता है ऐसे रट्टा मार सकते हैं एक्सप्लेनेशन वैसे अभी हमने ऊपर दिया था यहां पे इसी को समराइज करके दोबारा लिखा है तो अभी तक हमने प्रॉपर्टीज में क्या क्या सीखा इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स एक इंटीजर होता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का वैल्यू जीरो और एक के बीच में होता है जीरो भी हो सकता है एक का भी नहीं होगा इसीलिए यहां पे एक पे ओपन ब्रैकेट है फिर दूसरा पॉइंट हमने बोला कि अगर इंटीजर के इंटीजर का किसी भी इंटीजर का इंटीग्रल पार्ट क्या होगा वो इंटीजर खुद ही होगा तो अगर हमने एक इंटीजर के ऊपर बॉक्स बनाया तो उस बॉक्स का कोई फर्क नहीं पड़ता वो आई एज इट इज आ जाएगा किसी भी इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है ज़ीरो तो उसकी वजह से ये वाला जो पोर्शन है ये ज़ीरो हो गया फिर अब तीसरे पॉइंट में हमने ये बोला कि अगर दो नंबर ब्रैकेट एक जैसे लिखे हों तो एक ब्रैकेट हटा दो चाहे वो करली ब्रैकेट हो चाहे वो बड़े वाला ब्रैकेट हो बिग ब्रैकेट हो और अगर ऑपोजिट ब्रैकेट अगर दोनों ब्रैकेट लिखे हों एक इंटीगर पार्ट और एक फ्रैक्शनल पार्ट चाहे वो फ्रैक्शनल पार्ट अंदर हो चाहे फ्रैक्शनल पार्ट बाहर हो उसका वैल्यू हमेशा ज़ीरो आता है ये तीन प्रॉपर्टीज हैं प्रॉपर्टीज़ तो बहुत सारी बन जाएंगी बहुत सारी बुक्स में यूल फाइन के उल्टी सीधी लिखी हुई होती हैं बट विल डिस्कस ओनली विच आर इम्पॉर्टेंट जो इम्पोर्टेंट है जो आई टी में थोड़ा बहुत यूज होगा उन्हीं को डिस्कस करेंगे बाकी तो हजारों ऐसे बना लेते हैं लोग भाग थर्ड थिंग इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स ऑलवेज लाइज बिटवीन ये प्रॉपर्टी मतलब इंटीगल पार्ट ऑफ एक्स जो होगा वो कभी एक्स से बड़ा नहीं होगा या तो उसके बराबर होगा या उससे छोटा होगा बट इतना भी छोटा नहीं हो जाएगा कि वो एक्स के एक, एक डिस्टेंस से भी आगे चला जाए ऐसा भी नहीं होगा टू एक्सप्लेन दिस अभी थोड़ी देर पहले हमने बोला था कि अगर एक्स अगर ये इंटीजर है तो, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर यहीं आ जाएगा तब तो इस जगह पे इक्वालिटी होल्ड करके ये दोनों बराबर हो गए अगर एक्स इंटीजर इंटीजर नहीं है तो इसके जो इमीडिएट लेफ्ट वाला इंटीजर होगा वो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स हो जाएगा तो उस वाले केस में दिख रहा है कि एक्स x एक्स है, है तभी वो राइट पे आ रहा है तो वहां पे इसका इनईक्वलिटी वाला पार्ट सेटिस्फाई हो जाएगा अच्छा अगर एक्स ये नंबर कहीं पे भी है जो लेफ्ट वाला इंटीजर है उसका डिस्टेंस ये वाला डिस्टेंस d कभी भी एक या एक से ज़्यादा नहीं हो सकता ऐसा नहीं हो सकता कि मैं नंबर लाइन पे ये खुद इंटीजर नहीं है इसके लेफ्ट में मैं इंटीजर ढूंढने चला तो मुझे एक से ज़्यादा दूर चलना पड़े ऐसा नहीं होगा उसके अंदर अंदर ही मिल जाएगा तो अगर ये एक्स है तो इसके एक यूनिट लेफ्ट पे कहीं एक्स माइनस वन होगा इन दोनों के बीच में ही कहीं कोई ना कोई इंटीजर मिल जाएगा पक्का दो इंटीजर है दो और तीन है दो और तीन के बीच का डिस्टेंस एक होता है तो ये वाला एक्स अगर हमने बोला कि इंटीजर नहीं है तो इसका वैल्यू मान लिया टू पॉइंट वन है मान लिया तो इसके लेफ्ट में अगर जाओगे तो वन पॉइंट वन और टू पॉइंट वन के बीच में पक्का एक इंटीजर मिल जाएगा विच इज टू खुद सोच के देखना कि अगर हम नंबर लाइन पे किसी भी पॉइंट से जो इंटीजर नहीं है लेफ्ट पे चलना शुरू करें इंटीजर ढूंढना शुरू करें तो जो इंटीजर मिलेगा वो विद इन वन यूनिट मिल जाएगा एक यूनिट के डिस्टेंस से अंदर अंदर ही मिल जाएगा इस प्रॉपर्टी को याद रखने मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इज लेस देन इक्व टू एक्स बट इज ग्रेटर देन एक्स माइनस वन टू भी नहीं होगा कभी भी यहां पे इक्वलिटी होल्ड कर सकता है यहां इक्वलिटी होल्ड नहीं करेगा कभी भी ये हो गए चार पॉइंट